हमारे माननीय विधायक लखेंद्र पासवान जी को सदन से निष्कासित किया गया दो दिनों के लिए। हम लोगों ने कहा कि एकपक्षीय कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सदन में हमने आग्रह किया कि सदन सुचारू रूप से चले और सदन की मर्यादा सबको रखने की जिम्मेदारी है, लेकिन जो माननीय सदस्य का माइक बंद कर देने से उत्तेजना के कारण वो माइक नीचे और खुल गया, आप उनको निष्कासित कर दिए, लेकिन जो उनको उत्तेजित किया गाली बका आप उनसे क्यों नहीं खेद व्यक्त करने की बात की। हमने सदन में भी मांग किया कि दोनों से खेद व्यक्त करवाइए, लेकिन अध्यक्ष ने एक पक्षीय कार्रवाई किए जो उचित नहीं है। सदन की गरिमा को तार तार हुआ है और जिस तरह से सत्ता पक्ष में बैठे संसदीय कार्य मंत्री माननीय विजय चौधरी जी ने लिख करके पहले से ही लाए हुए थे स्क्रिप्ट और फटाफट पढ़ दिए तेजस्वी यादव के कहने पर और निष्कासन की व्यवस्था बना दिए। आचार समिति का रिपोर्ट 2021 का सारा रिपोर्ट आया है, जहां उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी उनके साथ पूरे ग्रुप फूटो से सदन को रौंदा था, वो उस रिपोर्ट पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई। बार बार हमने मांग किया विशेष कमेटी का रिपोर्ट जिसमें हजारों करोड़ का घोटाला है, वो रिपोर्ट सदन पटल पर क्यों नहीं आया। जब हमने अपना छाया विधानसभा चला रहे थे और हमारे पद्मश्री माननीय भागीरथी देवी जी विधानसभा अध्यक्ष के रूप में संचालन कर रहे थे, राजद के लोग बाहर में आकर के थाल में लड्डू लेकर और उसके बाद ढेला बना के फेंकने लगे और इस तरह से ठेलम ठेली अव्यवस्था फैला करके ये सदन के अंदर भी गुंडागर्दी और सदन के बाहर भी आकर के आप ये माहौल कतई उचित नहीं है। हम सभी माननीय विधायक अभी राज्यपाल भवन की ओर प्रस्थान करेंगे 12:30 बजे और बिहार के सदन के अंदर और सड़क पर जो इनका गुंडों का जमात गुंडा राज स्थापित करने में लगा है, अपराध और भ्रष्टाचारियों को खुल के सदन में बैठे सरकार में लोग मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री संरक्षित कर रहे हैं और सत्ता के लिए मूक दर्शक बने हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए हर समझौता गुंडों के साथ कर रहे हैं, ये हम लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग राज्यपाल भवन की ओर अभी प्रस्थान करेंगे, क्योंकि जब अंदर में बदमाशी करे बाहर भी बदमाशी करे तो जंगल राज को हम ही लोग लड़के हटाए हैं, इस गुंडा राज को भी हटाएंगे। और मैं डरने वाला नहीं हूँ, भागीरथी देवी को जिस तरह से अपमानित करने का, इस सदन को बाधित करने का सदन के अंदर और बाहर खेल खेल रहे हैं, ये खेल चलने नहीं देंगे। मंत्री श्रवण कुमार C600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ, घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, टफकॉन XT के साथ।